डॉक्टर रुई बसेरा, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री डी एस चौहान जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एस पी गोयल जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन और ट्रेवल एजेंट्स और अन्य उपस्थित महानुभाव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक सप्ताह पूर्व लखनऊ में बीएफएमएस का उद्घाटन न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए बीएफएस के संस्थापक और उसके सीईओ श्री जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी यहां बताया गया कि लखनऊ से इस केंद्र के शुभारंभ होने के साथ ही 10 देशों के लिए वीजा आवेदन करने की एक सरल प्रक्रिया प्रदेशवासियों को प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में आज के समय में तकनीक का उपयोग करते हुए हम न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बल्कि ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में थोड़े बहुत प्रयास अगर प्रारंभ हो तो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर उस व्यापक बदलाव को लाने का जो कार्य किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और खासतौर पर वीजा, पासपोर्ट आदि के लिए जिस प्रकार से एक कॉमन मैन और खासतौर पर इमरजेंसी के समय में जिस प्रकार की परेशानियां होती थी, उन सब से मुक्त करते हुए इमरजेंसी के समय बहुत बार आपने देखा होगा पिछले 5-6 वर्षों के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां पर भारत के फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए या किसी आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो कार्य हुआ है, वैश्विक मंच पर उनकी सराहना हुई है। और मुझे यहां बताया गया कि बीएफएस ग्लोबल का यहां पर श्री जुबिन करकारिया ने इसे 2001 में लॉन्च किया था। यह एक मेड इन इंडिया कंपनी है जिसने एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज अपना एक स्थान बनाया है। मैं इसके लिए इसलिए जो भी प्रक्रिया को और उनकी परिक्रमा को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि यहां पर बीएफएस ग्लोबल विभिन्न सरकारों और दूतावासों को वीजा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने की दुनिया की एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। मुझे याद है कि वर्तमान में भारत के लिए दुनिया के जो 12 देशों में पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को यह कंपनी प्रथम आउटसोर्स वीजा सेवा पार्टनर के तौर पर कार्य कर रही है और अब तक इस कंपनी ने 2 करोड़ से अधिक आवेदनों का निस्तारण भी अपने स्थापना के बाद से संपन्न किया है। संकट काल में भरोसेमंद सहयोगी के रूप में कैसे कार्य होता है, ऑपरेशन लाहर 2015 जब अरब देश में
यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी की कार्रवाई को संपन्न किया था। वंदे भारत मिशन 2020 कोरोना कालखंड में वैश्विक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के फलस्वरूप विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो संचालित मिशन रहे हैं या ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 जिसमें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे में जाने के बाद भारतीय नागरिकों को और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए जो मिशन संचालित हुए हैं, ये वे मिशन है जो वास्तव में संकट के समय या किसी आपदा के समय अपने नागरिकों को, अपने मित्र देशों को सहायता पहुंचाने के लिए एक सफलतम कार्यक्रम होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पिछले वर्ष जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, इस दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भी जो कार्यक्रम चले, जो ऑपरेशन भारत सरकार के चले हैं, उसमें इस प्रकार की आउटसोर्सिंग कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस केंद्र के शुभारंभ होने से ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली का सऊदी अरब की यात्रा करने के संबंध में एक यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और यह केंद्र प्रतिवर्ष जो मुझे बताया गया कि 1,20,000 से अधिक वीजा आवेदनों का निस्तारण करने की अकेले क्षमता रखती है, यानी अकेले लखनऊ में ही इतनी सुविधा यहां से प्रारंभ हो पाएगी। बेथेस ग्लोबल इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के सहयोग से राज्य सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के रूप प्रदेश के युवाओं को भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान देगी। यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश की अतिथि देवो भव की एक परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से बीएफएस ग्लोबल को अपना लखनऊ सेंटर प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के न केवल 24 करोड़ की आबादी बल्कि उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए अन्य राज्यों के नागरिकों को भी यहां से सुविधा देने में हम लोग यह कंपनी सफल होगी। मैं एक बार फिर से बीएफएस ग्लोबल को और इसके संस्थापक सीओसी जुबिन करकरिया को और उनकी पूरी टीम को लखनऊ में अपनी सेवा को प्रदान करने और वहां भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पूर्व एक सप्ताह पूर्व इस सेवा को यहां प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में उत्तर प्रदेश की 24 से 25 करोड़ आबादी की सेवा को बेहतरीन तरीके से देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह कंपनी सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।